आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से तकरीबन 28 साल पहले मैं एक बार अपने गांव गया था। दरअसल उन दिनों मैं शहर में अपने परिवार के साथ रहा करता था और काम से छुट्टी मिलने पर ही कभी कदार अपने गांव घूमने आ जाया करता था। मेरा गांव वाला घर काफ़ी छोटा था, इसलिए मैं जब भी गांव आता था अकेले ही आता था और दो चार दिन रहकर शहर लौट जाया करता था। उस रोज़ मैं काफ़ी लंबे वक्त के बाद गांव आया था। गांव की हरियाली और शांति का मैं खूब आनंद ले रहा था। ऊपर से बरसात का मौसम, लगातार बारिश होए जा रही थी। घर पर बैठे बैठे मेरे जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना गांव के दोस्तों से मिला जाए और थोड़ा वक्त उनके साथ भी बिताया जाए। वैसे भी दोस्तों से मिले काफ़ी वक्त हो गया है, जिस वजह से मैंने तय किया बारिश बंद होते ही दोस्तों से मिलने निकलूँगा। कुछ घंटों बाद जब बारिश बंद हुई तब तक शाम हो चुकी थी, लिहाजा मैं घर से बाहर निकला और अपने दोस्तों को ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने के बाद मुझे मेरा एक दोस्त नीलेश मिला। नीलेश मुझे देखकर काफ़ी खुश हुआ और बोला, क्या भाई, शहर जाकर हमें तो भूल ही गया तू ना। इस पर मैंने बोला, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, बाकी के लोग कहाँ मिलेंगे? इस पर नीलेश बोला, सब अपने अपने घर में होंगे। फिर हम दोनों के बीच थोड़ी बहुत सामान्य बातें हुई, जिसके बाद नीलेश अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। नीलेश से मिलकर मैं जब घर वापस लौटा तभी मुझे याद आया कि मेरे सारे दोस्त रात को गांव की नदी के पीछे जो नीम का बड़ा सा पेड़ है वहीं पर इकट्ठा होते हैं। ये बात मैं इसलिए जानता था क्योंकि पिछली बार मैं जब यहाँ आया था तब नीलेश ने ही मुझे बताया था। एक साथ सभी दोस्तों से मिलने का यही अच्छा मौका है, ये सोचकर मैंने आज रात ही उस नीम के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। आसमान अब धीरे धीरे साफ हो रहा था। कुछ ही घंटों में रात हो गई। रात का खाना पीना हो जाने के बाद एक छाता और एक टॉर्च लेकर मैं नदी की ओर निकल पड़ा। थोड़ी देर पहले तक गांव के जिस रास्ते पर चहलकदमी थी वो अब पूरी तरह से खामोशी में तब्दील हो चुका था। रास्ते पर मेरे अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी के सहारे मैं आगे बढ़े जा रहा था, मगर एक बात मुझे बड़ी अजीब लग रही थी। पिछली बार मैं जब गांव आया था तब इतनी रात को भी रास्ते पर एक दो लोग दिखते थे, तो फिर आज क्यों नहीं दिख रहे हैं? रास्ता इतना खाली क्यों है? इन्हीं सारे सवालों को जहन में लेकर चलते चलते मैं गांव की नदी पर बने पुल पर पहुंचा। पुल पर रुककर मैंने टॉर्च की लाइट को एक दफ़ा नीचे पानी की ओर घुमाया तो नदी पानी से लपालप भरी हुई थी। खैर, मैं आगे बढ़ने लगा। उस पुल को पार करते ही मुझे वो नीम का पेड़ हल्का हल्का दिखने लगा, लिहाजा मैं टॉर्च को आगे रखकर उस नीम के पेड़ की ओर जाने लगा। चलकर मैं जब उस पेड़ के पास पहुंचा, तो मैं दंग रह गया क्योंकि उस पेड़ के पास कोई नहीं था। मैंने टॉर्च की लाइट को घड़ी पर डाला तो रात के 9:30 बज रहे थे। अमूमन अब तक तो सभी लोग आ जाते हैं, तो फिर आज क्या हो गया है? ये सोचकर पहले तो मैं थोड़ा चिंता में पड़ गया, मगर फिर सोचा शायद मैं ही जल्दी आ गया हूँ, बाकी लोग देरी से आएंगे, लिहाजा मैं बाकियों का इंतज़ार करते हुए वहीं पर टहलने लगा। टहलते टहलते 15 से 20 मिनट बीत गए, मगर कोई नहीं आया। मैंने सोचा 5 मिनट और इंतज़ार करता हूँ, अगर कोई आया तो ठीक, वरना घर चला जाऊँगा।
जिसके बाद मैं उसी नीम के पेड़ पर बने चबूतरे पर बैठ गया। उस वक्त मेरे कानों में नदी में पानी बहने की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। चारों तरफ गहरी खामोशी और सन्नाटा पसरा हुआ था, मगर तभी सन्नाटे को चीरती एक आवाज़ ने मेरे कान में दस्तक दिया। अजय, आ गया तू? आवाज़ सुनकर मैं पीछे मुड़ा तो पाया कि पेड़ के पीछे यानी चबूतरे के दूसरी ओर कोई बैठा हुआ है। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। मैं उठकर उस आदमी के सामने गया तो पाया कि वो मेरे बचपन का दोस्त शिवम है। शिवम को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने उससे बोला, अरे भाई तू कब आया? इस पर शिवम बोला, मैं तो यहीं पर था, पर तू यहाँ क्यों आया? इस पर मैं बोला, क्यों आया मतलब? सब लोग हर रात यहीं पर जमा होते हैं ना? इस पर शिवम बोला, होते हैं नहीं, होते थे, तू जानता नहीं, रात में यहाँ आना मना है, यहाँ पर एक आत्मा का आतंक है, तू घर चला जा वरना वो आत्मा तुझे भी नहीं छोड़ेगी। इस पर मैं बोला, क्या बोल रहा है तू? अच्छा, अगर आत्मा का आतंक है तो फिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है? इस पर शिवम बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, पर तू घर चला जा, तेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। अभी हम दोनों ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी वो नीम का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उस नीम के पेड़ को ऐसे हिलता देख शिवम मुझसे बोला, भाई भाई तू चला जा, यहाँ से वो आ रही है, तुझे भी मार देगी। लेकिन शिवम की बात सुनकर मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, मगर उसके बाद का नज़ारा देखकर मेरा रोम रोम कांप गया। मैंने देखा उस नीम के पेड़ से कोई औरत उतर रही है। वो औरत पेड़ पर ऐसे चल रही थी जैसे वो ज़मीन पर चल रही हो। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। तभी शिवम बोला, भाई भाई भाग जा यहाँ से, जा। शिवम की बात सुनकर मैंने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ लगा दी और भागकर सीधे अपने घर आ गया। उस पूरी रात मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह जब मैंने इस बात का जिक्र नीलेश से किया तो सारी बात सुनकर उसने जो कहा वो मेरे होश उड़ा गया। क्या बोल रहा है तू? हाँ, वो नीम का पेड़ भूतिया तो है, क्योंकि उस पर एक औरत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और उसी औरत की आत्मा ने शिवम को उसी पेड़ के पास मार डाला था, तो फिर शिवम कैसे हो सकता है? ये सुनकर मैं बहुत डर गया, मगर क्या सच में उस रात मेरे बचपन के दोस्त शिवम की आत्मा ने मेरी मदद की थी या कुछ और? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।